वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा, तरमीम गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए कारगर साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, अवामी खिदमत से पहले पीछे हटे ना ही आप पीछे रहेंगे। मुआशी अशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ह कमी आई। स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वज़रा और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मुलाकात में मौजूद थे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने बानी पीटीए को रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर कर दिया। बोले, बानी पीटीए की रिहाई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है, लगता है उसे रिलीफ मिल जाएगा। बानी के असल किरदार का पीटीए की बाकी क़यादत को भी इल्म नहीं। शजील मेमन की मौलाना फजल रहमान की तारीफ। बोले, मौलाना कभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करते और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए वाइट बॉल टीम का ऐलान। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को टीम में जगह मिल गई। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए शामिल। दौरे जिम्बाब्वे में आराम कराया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस में बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, सलमान आखा टीम का हिस्सा होंगे। हारिस रऊफ, अरफात मिनहास, हसीबुल्ला और मोहम्मद इरफान खान भी टीम में शामिल। जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए अहमद दानियाल, हसीबुल्ला, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान और तैयब ताहिर को आजमाया जाएगा। अरफात मिनहास, जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, उमर बिन जोसफ, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान टी20 फॉर्मेट में इन एक्शन होंगे। वाइट बॉल टीम के लिए कप्तान का ऐलान चेयरमैन पीसीबी कुछ देर बाद करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए खिलाड़ी कल रवाना होंगे। मुल्की मसाइल का हल सियासी डायलॉग ही हैं। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, सियासी जमातें मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। पायदार मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। चौधरी शुजात का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। नाराज साथियों को मनाकर मुल्क गिर तंजीम साजी होगी। मुल्क मईशत दुरुस्त समत में गामजन। इंशाल्लाह आईएमएफ का रवा प्रोग्राम आखिरी होगा। वर्ल्ड बैंक कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। जो कंपनीज निजी शोबे में चल सकती हैं उन्हें हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर पर पाबंदियों से मुतालिक कानूनी कवर की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जेन लिकॉन से मुलाकात हुई। जीटी रोड की तामीर नो के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दी। चीन के नायब वजीर खजाना से मुलाकात में बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने के अजम का इजहार किया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम किया। ईरान का इसराइली हमले का बदला लेने का ऐलान। ईरानी मंदूब ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा, दहशतगर्द इसराइल को मुजरिमाना कार्रवाई का जवाब देना कानूनी हक है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने भी कहा, तेहरान पर जारहियत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने हमले में अमरीका को भी जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक इसराइली तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों से उड़ान भरी। तेहरान और खोजिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमले किए। फाल एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नुकसान कम हुआ। भी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। मुमकिन तौर पर 27वीं आईनी तरमीम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करा दिया। मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और राजा परवेज अशरफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद थे। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा खसूसी मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा इस मुलाकात में कौन कौन से उमूर जेर बहस आए? जी, हमारे जरा ने बताया कि ये जो अहम मुलाकात हुई है इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया है। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर जो है वो चलेंगे, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। उनका कहना था कि गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्यादी जमातों को जाता है, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। उनका कहना था
कि पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की मौशी अशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाजह कमी होती नजर आ रही है। जी ठीक है मियां शाहिद नदीम, आपका शुक्रिया। सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का अजलास हुआ। निजी कंपनी की जानब से अल्कोहल की बरामद की इजाज़त के मुतालबे का जायजा लिया गया। सीईओ निजी कंपनी के मुताबिक मुल्क से अल्कोहल एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं। पंजाब का महकमा एक्साइज कंपनी को अल्कोहल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम बताइए इस हवाले से। जी दरहकीकत दो जो चीज़ें हैं उस पर वहाँ पे उनको कहा गया है, जो एक्सपोर्ट करना चाहती है कंपनी उनको कहा गया है कि एक तो पंजाब में आए तो आप इस तरह करें कि पंजाब गवर्नमेंट से बात करें। दूसरा ये है कि एक्साइज जो है वो आपको जो कुछ कह रही है उसको देखें कि क्या वो बाइंडिंग है। अगर एक्साइज की बात बाइंडिंग है और आप फेडरेशन से इजाज़त नहीं ले सकते तो फिर पंजाब ही से डील करें। उनको ये कह दिया गया है कि पंजाब की एक्साइज पंजाब की मुतल्लिका दूसरे जो अदारे हैं उनसे आप डील करें, अगर वो इजाजत देते हैं तो दे देंगे, वफाक इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। जी ठीक है, इकराम होती आपका शुक्रिया।